वेलकम टू जीएस क्विक लर्निंग। द टॉपिक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो लेट्स वी डिस्कस कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक। क्लियर? सो ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है। इसका दूसरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये जो बैंक है 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, सो फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। आरबीआई इज ए स्टैचुरी बॉडी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। सो ये केस के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स एंड मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इंडियन इकॉनमी। सो बेसिकली जो आरबीआई थी वो 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसको सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, इसको आरबीआई भी कहा जाता है। और ये जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये इकॉनमी में मनी की सप्लाई को क्या करती है? मनी सप्लाई को मैनेज करती है। ओके, कि मनी का फ्लो कितना होना चाहिए इकॉनमी में, मनी को ज़्यादा रखना है, मनी को कम रखना है। और ये क्या करती है? करेंसी नोट्स जो होते हैं वो इशू करती है। क्लियर? तो मनी का सप्लाई, मनी सप्लाई जैसे मैंने बताया कि मैनेज करती है। किससे मैनेज करती है? मॉनिटरी पॉलिसी, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में जो डिस्कस कर ली थी उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो मनी सप्लाई को किससे मैनेज करती है? मॉनिटरी पॉलिसी से। क्लियर? सो उसके बाद कहते हैं कि द ओनरशिप ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द शेयर कैपिटल वाज इन हैंड्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर। सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ द सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द शेयर्स इन इंडिया फ्यूमन। वैसे तो ये जो है 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी, बट ये नेशनलाइज कब हुई? 1 जनवरी 1949। क्लियर? ओके, सो वी विल डिस्कस हियर द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शन हैं, कौन कौन से काम ये करती है सेंट्रल बैंक। फर्स्ट हमारे पास है इशू ऑफ नोट्स। सो द आरबीआई हैज़ ए मोनोपोली फॉर प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स इन ए कंट्री। जैसे कि मैंने बताया कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है करेंसी नोट को प्रिंट करने के लिए। इट हैज़ दिस सोल राइट टू इशू करेंसी नोट। इसके पास ही एक लौती है जिसके पास ये राइट है करेंसी नोट को इशू करने का। ऑफ द वेरियस डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट विच इशूड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो 1 रुपीज नोट होता है वो सिर्फ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। अदर्स जो भी नोट होते हैं जिस भी डिनोमिनेशन में होते हैं वो सारे के सारे कौन इशू करती है? रिजर्व बैंक, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक। क्लियर? ओके, तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अडॉप्ट द मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर इशूइंग एंड प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स। तो कहते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो इशू करती है और प्रिंट कर दिया करेंसी नोट। उसके लिए उसने क्या अडॉप्ट किया, कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया, उसको हम कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्लियर? सिंस 1957 इट मेंटेन गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ रेस 200 करोड़ ऑफ विच एट लीस्ट रेस 115 करोड़ शुड बी इन गोल्ड एंड रिमेनिंग इन द फॉरेन करेंसी। सो कहते हैं कि बेसिकली जो रिजर्व इशू किए जाते हैं ना, जो नोट्स और जो इशू किए प्रिंट किए जाते हैं, वो बेसिकली गोल्ड के बेस पर किए जाते हैं। जितना हमारे पास गोल्ड होता है ना, उतने बेस पर जो है करेंसी को इशू प्रिंट किया जाता है। क्लियर? तो ये जो सिस्टम उसने अडॉप्ट किया पहले, तो फिर उसके बाद कहते हैं कि 1570 से क्या होना लगा, द जो गोल्ड एंड फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करके रखना था 200 करोड़, जिसमें से 115 करोड़ जो हो गोल्ड होना चाहिए और अदर जो है फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। क्लियर? सेकेंड फंक्शन हमारे पास आता है बैंकर टू दी बैंक गवर्नमेंट। तो द सेकेंड इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक एज टू एक्ट एज द बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कहते हैं कि जो आरबीआई है ना,
एक तो इसका काम है प्रिंट करना, इशू करना नोट्स। उसके बाद ये गवर्नमेंट की भी एक बैंक है। अगर गवर्नमेंट को किसी तरह की जरूरत पड़ती है पैसे की, तो वो किससे लेती है? सेंट्रल बैंक से लेती है। अगर गवर्नमेंट को किसी तरह की एडवाइस की लोड पड़ती है, तो किससे लेती है? वो सेंट्रल बैंक से लेती है। अगर गवर्नमेंट को किसी तरह की एजेंट की लोड पड़ती है, तो कौन बनता है एजेंट? बैंक, सेंट्रल बैंक। ओके, सो एज ए बैंकर भी परफॉर्म करती है, एज ए एजेंट भी, और एज ए एडवाइजर भी। इट परफॉर्म ऑल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल। ये स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी बैंकिंग फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो ये जैसे मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी के साथ ये क्या करती है? इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज करती है। क्लियर? तो उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है बैंकर्स बैंक। जैसे कि जो गवर्नमेंट की बैंक है, तो जो बाकी सभी बैंकों की भी बैंक होती है। ठीक है, आरबीआई के अलावा जितनी भी बैंक होती है ना हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक। सो उन सब बैंकिंग को फंक्शन को मैनेज करती है ये। ओके, उन बैंकों की लास्ट लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट होती है उन सभी बैंकों की। इट मीन्स कि अगर किसी बैंकों को किसी भी तरह की पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसको लास्ट के किसके पास आना पड़ता है? सेंट्रल बैंक के पास आना पड़ता है। और ये उस बैंकों का एक तरह सा फादर्स होती है सभी बैंकों की। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। ये बैंक क्या करती है? कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट में क्या है? द आरबीआई अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। आरबीआई यूज टू मेथड टू कंट्रोल एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ मनी। जो क्रेडिट मीन्स उधार देना, ओके, मीन्स लोन देना। जो कमर्शियल बैंक लोन देती है पब्लिक को, तो उसको मैनेज करती है आरबीआई टू मेथड के साथ, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये जो क्या मेथड्स हैं, जो मनी सप्लाई है ना, और या फिर क्रेडिट फ्लो है इन कंट्री में, उसको रेगुलेट एंड कंट्रोल करते हैं ये मेथड। ये दोनों मेथड आपको डिटेल में आने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको मैंने मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव क्वालिटी, SLR, CRR, बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो यूज़ कर कर RBI सबको मैनेज करती है। क्लियर? ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन है RBI का कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। कहते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल, द रिजर्व बैंक बाय एंड सेल द फॉरेन करेंसी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द करेंसी फॉरेन फंड्स। जो RBI है वो क्या करती है, वो जो फॉरेन रिजर्व होते हैं उनको उनकी कस्टडी लेकर रखती है, मीन्स उनको अपने पास रखती है, सो दैट कि किसी टाइम आने पर उसको यूज़ किया जाए। और जो सिक्योरिटीज होती है उसको बाय एंड सेल करती है RBI। ठीक है, तो जो फॉरेन रिजर्व मीन्स कि जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री के साथ, तब जो फॉरेन रिजर्व यूज होते हैं उसको उसको कस्टोडियन करके ये रखती है, उसकी कस्टडी रखती है अपने पास। उसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन जो है अदर फंक्शन क्या है? द रिजर्व बैंक परफॉर्म अ नंबर ऑफ अदर, बहुत सारे। एक तो वो हो गया कि एडवाइस प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को, दूसरी बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को, करेंसी इशू करना, प्रिंट करना, बहुत सारे काम करती है। उसके अलावा भी जो RBI है बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, सो दैट कि कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। सो दिस वर्क्स इंक्लूड, इस वर्क में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे क्लियरिंग हाउस अरेंजमेंट करना क्रेडिट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड, नमार्ड होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो रूरल को डेवलपमेंट करने के लिए, सो कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग द इकोनॉमिक डेटा को कलेक्ट एंड पब्लिश करने के लिए, बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, जे भी फंक्शन प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को, सो दैट कि गवर्नमेंट जो है बाय एंड सेल करे कॉमोडिटीज़ का, तो उसके लिए वे जो फंक्शन परफॉर्म करती है। एंड ऑल्सो ये रिप्रेजेंटेटिव का एक्ट जो है एक्ट करती है गवर्नमेंट के लिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो बहुत ही इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, सो इट ऑल्सो एक्ट एज ए, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो एक्ट परफॉर्म करती है उसके रिप्रेजेंटेटिव बनती है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो RBI परफॉर्म करती है।
थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।